राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की जो कि कल होने जा रहा है। मतदान दलों की रवानगी भी अब शुरू हो चुकी है। कल विधानसभा चुनाव की वोटिंग होने जा रही है। 199 सीटों पर मतदान किया जाना है। सुबह 7 बजे शाम 6 बजे तक मतदान होगा, यानी सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक आप अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। 5,26,90,140 मतदाता अपना मतदान करेंगे। प्रदेश के कुल 1,875 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। अगर पुरुष वॉचिंग की बात करें तो 2,74,74,849 है। महिलाओं की बात करें 2,53,13,458। सर्विस वोटर्स की बात करें 1,42,210। ट्रांसजेंडर्स की बात करें वो आंकड़ा है 624 का। प्रदेश में कुल 36,101 स्थानों पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 2,74,846 कर्मचारी मतदान कराएंगे। 6,247 सेक्टर अधिकारी, 1,02,290 राजस्थान पुलिस, होमगार्ड्स, आरएसी और सीएपीएफ की 700 कंपनियों के सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। 1823 आयु वर्ग के 1,70,99,334 मतदाता, जिनमें 18 से 19 आयु वर्ग के 22,61,089 मतदाता शामिल है, यानी नए वोटर्स की संख्या इस बार ज्यादा है। इसके अलावा कुल 26,393 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग भी की जाएगी और ये अपने आप में नवाचार है, बेहद खास है, जिसकी जरूरत हमेशा से थी, लेकिन अब न्यू टेक्नोलॉजी, नया समय, नए नवाचार। तो राजस्थान में वोटर्स की संख्या बार बार आप तक पहुंचा रहे, रेशो आप तक पहुंचा रहे, जानकारी आप तक पहुंचा रहे, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि आप मतदाता है। कल आप इनके भाग्य का फैसला करेंगे। सभी 199 कैंडिडेट्स सीटों पर जो कैंडिडेट्स उतरे हैं, पुरुषों की अगर हम बात कर ले राजस्थान में तो वो है रेशो 2,74,74,849। महिलाओं की बात कर ले वो है 2,53,13,458। सर्विस वोटर्स कितने हैं, दरअसल वो है 1,42,210। ट्रांसजेंडर्स की संख्या 624 और अगर कुल वोटर्स की बात की जाए तो वो रेशो है 5,27,88,231 का। और न्यू वोटर्स इस बार ज्यादा है, यानी कि 18 साल पार करने के बाद जो नए वोटर्स है पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे वो है 61,41,175 वोटर्स बढ़े हैं। और पूरे प्रदेश में 36,101 स्थानों पर मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। अब आपको चलिए जानकारी देते हैं पूरे प्रदेश भर की कि कहां पर किस तरीके की तैयारी है, कितने वोटर्स हैं। अगर भरतपुर की बात हम करें तो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं 2006 के करीब। पुरुष यहां पर हैं 11,20,622। महिलाओं का रेशो है 9,81,868। ट्रांसजेंडर्स की संख्या 20 और कुल वोटर्स यहां पर है 21,02,510। जयपुर की बात करते हैं, राजधानी जयपुर 19 विधानसभा सीट है, यहां पर यहां पोलिंग बूथ बनाए गए हैं 4,220। पुरुषों की अगर संख्या की बात करें, पुरुष मतदाता कितने हैं राजधानी जयपुर में कुल, वो है 22,90,305। महिलाएं हैं 20,85,978। ट्रांसजेंडर्स की संख्या यहां पर मतदाता के रूप में है 78। कुल वोटर्स हैं राजधानी जयपुर में 43,76,361 जो कि अपने मत का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट इंडिया अपील कर रहा है आप सभी से कि आप कल जरूर अपने घरों से निकलिए, सारे काम छोड़ दीजिए। सबसे पहले सुबह 7 बजे से जब वोटिंग शुरू होगी, आपका सबसे पहले काम यही होना चाहिए कि आप इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होइए, अपने मत का प्रयोग करिए। चलिए अब आपको अजमेर के वोटर्स की संख्या बताते हैं। अगर अजमेर का कोई भी वाशिंदा है तो वो जानना चाहेगा कि उसके अलावा और कितने वोटर्स हैं, तो आपको बताते हैं अजमेर में कुल वोटर्स हैं पोलिंग बूथ सबसे पहले बताते हैं, वो है 1,941 बनाए गए हैं अजमेर में। पुरुष वोटर्स की संख्या है 10,04,767। महिलाओं की संख्या वोटर्स के रूप में है 9,67,871। ट्रांसजेंडर्स अजमेर में है 24। कुल वोटर्स यहां पर है 19,72,662। अब जोधपुर के आपको आंकड़े बताते हैं, जोधपुर में कितने वोटर्स हैं, कितने पोलिंग बूथ हैं। तो सबसे पहले पोलिंग बूथ बताते हैं, यहां पर 2,089 बनाए गए हैं पोलिंग बूथ। पुरुष वोटर्स का रेशो अगर
बताएं तो वो है 11,664, महिलाओं की संख्या है 10,01,327, ट्रांसजेंडर्स है 48, पोल वोटर्स है 21,02,039। कोटा में पोलिंग बूथ बनाए गए हैं इस बार 2064, पुरुष वोटर्स की संख्या है 10,53,639, महिलाओं का रेशो है 9,91,651, ट्रांसजेंडर्स है 37, कोल वाटर्स है 20,45,367। अब ये हम जो आपको आंकड़ा बता रहे हैं, रेशो बता रहे हैं, निर्वाचन विभाग की तरफ से जो जारी किया गया, ये रजिस्ट्रेशन जिनका हुआ है ऑथेंटिक तौर पर, जनरल तौर पर, जिनके वोटर आईडी कार्ड बन चुके हैं, ये उसी के आधार पर आपको रेशो बता रहे हैं। तो मतदान दलों की रवानगी हो चुकी है, प्रशिक्षण हो चुका है, तैयारी पूरी कर ली गई है, जो एक अहम कड़ी है इन मतदान कर्मचारियों की जो कि निकल चुके हैं पोलिंग बूथ की तरफ। सभी सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सुबह से हमने आपको तस्वीरें दिखाई अजमेर की, कोटा की, राजधानी जयपुर की, अजमेर की, कैसी तैयारी वहां पर की गई है, क्योंकि बेहद जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी ये कि वहां पर आचार संहिता की पालना की जाए। पूरे प्रदेश भर में जहां पर पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, सिक्योरिटी पूरी होनी चाहिए, सुरक्षा पूरी होनी चाहिए और जो अति संवेदनशील बूथ है वहां पर सिक्योरिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी घटना ना हो, अप्रिय घटना ना हो, कोई शरारती तत्व ना पहुंचाए। ईवीएम्स को लेकर भी सिक्योरिटी पूरी करनी है, वेबकास्टिंग कैसे करनी है, सिक्योरिटी कैमरेज कैसे लगाने हैं, महिलाओं के लिए कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, बुजुर्गों के लिए कैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। हालांकि इस बार होम वॉचिंग की व्यवस्था न्यू थी, नई की गई थी, स्पेशल दिव्यांग के लिए, जो स्पेशल लोग हैं उन लोगों के लिए होम वोटिंग की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों के लिए होम वोटिंग की गई थी, इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन थे, घर घर जाकर होम वोटिंग की गई थी, बीएलओ द्वारा पहुंचे थे वो घरों में और ये एक नई व्यवस्था थी जिसका खुले दिल से स्वागत किया गया। यानी कि अगर आने वाले समय में होम वोटिंग की सुविधा रहेगी, जाहिर सी बात है, तो उसमें और नवाचार किए जाएंगे। चलिए बात करते हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव के घमासान की, क्योंकि मतदान दलों की रवानगी भी शुरू हो चुकी है, निर्वाचन विभाग ने कमर कस ली है, प्रशिक्षण दे दिया गया, लेकिन अब पोलिंग बूथ पर जाकर इन मतदान कर्मचारियों को अपना काम शुरू करना है, क्योंकि कल विधानसभा चुनाव की वोटिंग आनी है, वक्त बेहद करीब है। 199 सीटों पर मतदान किया जाना है, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये मतदान होगा। 5,26,90,146 मतदाता मतदान का प्रयोग करेंगे, प्रदेश के कुल 1,875 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। और अगर हम रेशो की बात करें कि कितना आंकड़ा वोटर्स का है पूरे प्रदेश में, तो पुरुषों की अगर बात कर ले तो 2,74,74,849, महिलाओं की बात करें तो 2,53,13,458, सर्विस वोटर्स की 1,42,210, ट्रांसजेंडर जो हैं वो 624 और कुल 36,101 स्थानों पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो लगातार आपको प्रदेश के हर एक कोने की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, क्योंकि पोलिंग बूथ बनकर तैयार है, प्रशिक्षण कर्मचारियों को दे दिया गया है, रवानगी हो गई है। अब वहां पर क्या तस्वीरें, एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं राजधानी जयपुर। विनोद सिंह चौहान हमारे साथ बने हुए हैं, जोधपुर से राजीव गौड़ भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको विनोद के पास लेकर चलते हैं। विनोद, आप लगातार सुबह से जानकारी दे रहे हैं, आपने बताया था कि कई पोलिंग बूथों पर मतदान दलों की रवानगी हो चुकी है, क्या सभी पोलिंग बूथ पर मतदान दल पहुंच चुके हैं, अब वहां पर क्या तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, पोलिंग बूथों पर पहुंचने और रवानगी का दौर अभी जारी है और मैं आपको बता दूं, देखिए ये बस तैयार खड़ी है, जिस तरीके से एक एक करके बस रवाना हो रही है। आप पोलिंग पार्टी में शामिल हैं? मैं ड्राइवर। पोलिंग पार्टी में आप शामिल हैं? हाँ, शामिल। बूथ नंबर कितना है अपना? 1,350। कितने वोटर हैं? कितने वोटर हैं आपके? उधर तीन पार्टी, तीन पार्टी है। तीनों पार्टी इसी बस में? हाँ, इसी बस में जाएगी। और यहाँ से रवाना होने के बाद आपको कहाँ चेकिंग पोस्ट पे क्या दिखाना पड़ेगा? चेक वो तो पीआरओ साहब के पास है, कुछ कागज दिखाने पड़ते हैं, उसके बाद ही आगे की एंट्री मिलती है। तो देखिए, पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं और लगातार क्रम जारी है। मैं आपको बता दूं कि आपने पूनम जैसे शुरुआत में कहा
कि अब बूथ तैयार हो रहे हैं। तो देखिए 2 बजे तक का जो समय है वो पोलिंग पार्टियों की रवानगी का समय है, उसके बाद वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन मैं एक बड़ी बात ये बता दूँ कि अब बूथों पर जोर रहेगा। देखिए यहाँ से निकलने के बाद दूसरे रूप में अब बूथ तैयार किए जा रहे हैं। अगर हम विधानसभा बार बात करें तो महिला कार्मिकों के हाथ में हर विधानसभा में 8 बूथों की कमान रहेगी, यानी सारी महिला कर्मी होंगी जो उस बूथ को संभालेंगी। एक विधानसभा में एक दिव्यांग बूथ होगा, एक विधानसभा में 8 युवा बूथ होंगे। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है। सुव्यवस्था के तहत जो आदर्श आचार संहिता में चुनाव संपन्न कराए जाएं, इसकी तमाम तैयारियां शुरू हो गई हैं। और 2 बजे बाद जिस तरीके से मतदान दल रवाना हो जाएंगे तीनों स्थान से, उसके बाद निर्वाचन आयोग का दूसरा काम रहेगा बूथ तैयार करवाना कि किस रूप में बूथ तैयार हो रहे हैं, सुरक्षा क्या है, रात को जो सुरक्षाकर्मी वहाँ रुकेंगे, रात को जो पोलिंग पार्टियाँ रुकेंगी उनके खाने पीने की व्यवस्था कैसी रहेगी, सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, उस दौरान ईवीएम को किस तरीके से लाया जाएगा, खराब ईवीएम बाहर निकाली जाएंगी। देखिए यहाँ से रवाना होने से पहले भी जो मतदान दल हैं उन्होंने ईवीएम के सभी अंगों को चेक किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि बैटरी जल्दी डाउन हो जाती है, तो सारी बैटरियाँ चेक की गई हैं। क्योंकि हम आपको बता दें, जब यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई थी जयपुर में, पहली ट्रेनिंग में जब इन्होंने कई ईवीएम खोली थी और चालू करी थी तो उनकी जो बैटरी थी वो डिश थी, यानी बैटरी खराब थी। और हमने दर्शकों को बताया भी था कि हर बार ऐसी गड़बड़ी होती है, उसके बाद इन्होंने सुधार किया और आज भी सारी ईवीएम चेक की गई है, किसी में कहीं बैटरी की परेशानी तो नहीं है। क्योंकि देखिए आप बटन दबाएंगे, बटन दबाते ही अगर वो काम नहीं कर रही है तो हल्ला मच जाता है उस मतदान केंद्र में और एक हवा फैल जाती है कि सारी ईवीएम खराब है, छेड़खानी की गई है। तो आदर्श आचार संहिता के बीच सारी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है कि यहाँ से निकलने से पहले वो सभी ज़रूरतें पूरी कर ली जाएं जिनकी आवश्यकता मतदान के दौरान रहेगी। बिल्कुल, बहुत सही आपने कही है कि निकलने से पहले जहां पर पोलिंग बूथ तक पहुंचना है वहां पर सारी व्यवस्थाएं सही होनी चाहिए, यानी कि उन पोलिंग पार्टी की भी और उस पोलिंग बूथ की भी। अब जोधपुर का रुख करते हैं, राजीव गौड़ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, आप पहले भी जानकारी दे रहे थे कि कई जगहों पर जो मतदान दल है वो रवाना हो चुके हैं, कहीं पर अभी निकलना बाकी है, इसे लेकर अपडेट क्या है? और वहीं जैसे कि सहयोगी विनोद कह रहे थे कि ईवीएम की बैटरी ये जांचना बेहद जरूरी है, इसे लेकर आप जरा जानकारी दीजिए वहां पर किस तरीके की व्यवस्था है, क्या इस तरीके से कोई तैयारी की गई है, ईवीएम की बैटरी चेक की गई है पहले? देखिए, जब लोकतंत्र का पर्व है तो सारी चीजें सारे लेकुन पहले चेक किए जाते हैं। अगर ईवीएम की बैटरी ही अगर कंप्लीट चार्ज नहीं होगी तो मतदान कैसे कराएंगे? इसलिए सबसे पहले जो जिन जिन की अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है, ईवीएम की जो मशीनें हैं उनकी बैटरी चेक की जाए, चुनाव सामग्री जो दी गई है उनका पूरा ध्यान रखा जाए। बात आज की करें तो प्रशिक्षण दल रवाना होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सहयोगी भरत सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए कि यहाँ पूरा एक तरह से माहौल जो मेले जैसा है, चुनाव का जो कह रहे हैं लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र के बड़ा पर्व है। आप देखिए कि जिन जिन की ड्यूटी लगी है और वो लगातार जिस हफ्ते के सारे कंधे पे लादे हुए मशीनें वो लेकर के रवाना हुए हैं, जो बाद में आए हैं। अब ट्रेनिंग का दूसरा जो दौर है वो शुरू होगा और उसके साथ में और भी जो मतदान दल हैं वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में रवाना होंगे। फिलहाल फलौदी, लोहावट, ओसिया और भोपालगढ़ के जो टीमें हैं वो रवाना हो चुकी है। देखिए सहयोगी भानु सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तमाम जो कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी या पाबंद की गई है वो अपने अपने गंतव्य के लिए जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि जोधपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता भी थोड़ी देर पहले ग्रामीण SP धर्मेंद्र सिंह के साथ और तमाम जो अन्य प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ में लगातार दौरा कर रहे हैं। यहाँ भी उन्होंने जब हमसे बातचीत की थी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से, तब उन्होंने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से अपील भी की थी कि जो चुनाव निष्पक्ष कराना है टीम भावना से कराना है। और जिस तरीके से हमेशा संवेदनशील सेंटर से वहाँ पर पुलिस का और प्रशासन का पूरी नजर रहेगी, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध मुस्तैद है। जी चलिए ठीक है राजीव, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपसे और ज्यादा जानकारी लेंगे। राजधानी जयपुर का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। विनोद, आप जानकारी दे रहे हैं कि क्योंकि ये बेहद जरूरी है सारी व्यवस्थाओं को जांचना ताकि कोई गड़बड़ ना हो। तो ये जो आप पीछे चेयर देख रहे हैं, सिंहासन और पीछे दिग्गज है, ये घमासान बड़े लंबे दिनों से चल रहा है। पहले जद्दोजहद इस बात को लेकर थी कि किसे मैदान में उतारा जाए, फिर जब नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो उसके बाद प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी इन लोगों ने संभाली। लेकिन अब
जनता फैसला करेगी, क्योंकि जनता जनार्दन है और उसे लेकर निर्वाचन विभाग ने कमर कस ली है। प्रशिक्षण पूरा हो चुका है, पोलिंग बूथ सजकर तैयार है, व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है, ईवीएम तैयार है, बस मतदान दल पोलिंग बूथ की तरफ रवाना हो रहे हैं। किस तरीके की व्यवस्था है पूरे प्रदेश भर से, फर्स्ट इंडिया न्यूज की महा कवरेज लगातार जारी है। कल भी आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हमारे सहयोगी चप्पे चप्पे पर तैनात है। अभी राजधानी जयपुर का रुख करते हैं, विनोद सिंह चौहान सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सुबह से जानकारी दे रहे हैं। ओवरऑल किस तरीके की अपडेट मिल रही है इन पोलिंग बूथ को लेकर, जिस तरीके से मतदान दल रवाना किए जा रहे हैं, जानकारी लेंगे अपने सहयोगी विनोद सिंह चौहान से। विनोद, ओवरऑल जरा अपडेट दीजिएगा, अभी आपके पास क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, जो तीन मतदान दवालगी रवानगी दल के लिए जो स्थान बनाए गए हैं, हम इस समय देखिए आप राजस्थान कॉलेज में हैं, वहीं भवानी निकेतन शिक्षा समिति, जमायतुल विश्वविद्यालय, यहां से 19 विधानसभाओं के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, कहीं से रवानगी की तैयारी है। पहली पारी की पोलिंग पार्टियां रवानी हो रही है, दूसरी पारी जो है वो 11 बजे बाद शुरू होगी, यानी 2 बजे तक पोलिंग पार्टियां रवाना हो पाएगी। और मैं आपको बता दूँ, जहाँ हम खड़े हैं, जो दृश्य आपको दिखाया जा रहा है, इसके पीछे राजस्थान कॉलेज के स्ट्रांग रूम है। कल 6 बजे बाद मतदान समाप्ति के बाद सारी ईवीएम का संग्रहण होगा और यहां लाकर जमा कराई जाएगी। और देखिए, कल रात को यहां व्यवस्था चाक चौबंद हो जाएगी, पूरी लाइटिंग हो जाएगी जो 3 दिसंबर तक रहेगी। सुरक्षा घेरे में रहेंगे राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, जहां पर 19 विधानसभाओं की ईवीएम रहेंगी, स्ट्रांग रूम बनाया गया है। एक बड़ी बात यह है कि अभी जो पोलिंग पार्टियाँ रवाना की जा रही हैं, उसमें राजस्थान पुलिस के साथ उत्तर प्रदेश होमगार्ड भी लगाए गए हैं। अभी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के होमगार्ड यहाँ पहुँचे हैं, जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, वो भी पोलिंग पार्टियों के साथ मतदान केंद्रों पर तैनात किए गए हैं। यानी यूपी के होमगार्ड भी राजस्थान पुलिस के साथ यहाँ अपना सहयोग देंगे। ठीक है विनोद, आपके पास और ज्यादा जानकारी के लिए मैं आऊंगी और ज्यादा जानकारी जनता तक पहुंचाऊंगी। लेकिन जोधपुर में किस तरीके की व्यवस्था बनी हुई है, अभी कितना अपडेट फिलहाल हमें मिल पाएगा, ये जानने के लिए राजीव गोड़कर करेंगे। राजीव सुबह से हमें जानकारी दे रहे हैं। राजीव, अभी आप कहाँ पर मौजूद है और अभी कोई अपडेट है? सभी पोलिंग बूथ जो है वहां पर ये पोलिंग पार्टीज पहुंच चुकी है क्या? देखिए, अगर अब तक की अपडेट की बात करें तो 5 विधानसभा क्षेत्रों के मतदान दल रवाना हो चुके हैं और जो 5 बचे हैं उसके लिए अब प्रोसेस शुरू हो रहा है। और देखिए कि मतदान सामग्री की जो इस वक्त ट्रक से उतार करके यह जमाना शुरू कर दिया गया है और तमाम जो सामग्री इसके अंदर होती है उसको लेकर के भी जो जरा बात कर लेते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या क्या सर, इसमें क्या क्या सामग्री जो है मतदान किट में होती है? मतदान दलों के जाने वाले मतदान दलों को एक बैग दिया जा रहा है, उस बैग के अंदर मतदान से संबंधित जो भी फॉर्म सेट है, बुकलेट है, वो सारे इनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वो ये फॉर्म इसको भर के, फॉर्म भर के यहाँ जब पार्टियाँ वापस वोट संपन्न हो जाएंगी उसके बाद यहाँ जमा करवाएंगे। सर, कैसे प्रोसेस कैसे चला सुबह से, आप आए क्या क्या अब तक कामकाज किया आप लोगों ने? हमने भंडार सभा शाखा का सारा कम्प्लीटली स्मूथली काम किया और कोई परेशानी नहीं आई। सवेरे हम आए, आपने हमारी गाड़ी खड़ी की, तो आप देखिए कि तस्वीरें देखिए, शेख वंशिक आपको तस्वीर देखिए, तमाम वो टीम है जो, क्योंकि इस सामग्री के बना कुछ भी नहीं है। और देखिए कि ये भंडार शाखा है जहाँ पे चुनाव संबंधी जो सामग्री है उसका वितरण होता है। दूसरा चरण शुरू होने के साथ ही देखिए, एक तरफ वो जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो नीचे बैठ के व्यवस्थाएं देख रहे हैं कि उसके अंदर क्या क्या सामग्री उनको डालनी होती है, और ये चुनाव सामग्री के जो किट्स हैं वो बाहर आ रहे हैं। समझा जा सकता है कि ये तस्वीर काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात कर लेते हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी मानसी गुप्ता लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आज समय पर मतदान दल रवाना हो गए हैं, पहुंच जाए, वहां जाकर के मतदान केंद्रों पर तमाम जो आवश्यक व्यवस्था चाक चौबंद हो जाए। पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौर से लेकर आईजी जनरल शेर और एसपी धर्मेंद्र सिंह से लेकर के डीसीपी गौरव यादव, अमित जो यहाँ पे अमृता दो ने वो कोशिश कर रहे हैं सुरक्षा के लिए ऐसे चाक चौबंद व्यवस्थाएं रहे, कोई को दिक्कत नहीं हो। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जो चाक चौबंद व्यवस्था है यहाँ की जिला कलेक्टर ने किया, 27 लाख से ज्यादा जिस तरीके से मतदाता जो है अपने मतों का प्रयोग करेंगे, समझा जा सकता है कि बहुत बड़ी चुनौती है शांतिपूर्ण मतदान कराने की तैयारियां चाक चौबंद है। जी बिल्कुल, क्योंकि अब तो ज्यादातर बैलेट पेपर से ना होकर ईवीएम से ही सभी चुनाव होते हैं। हालांकि वो बात और है कि चुनाव का रिजल्ट जब आ जाता है तो जो विपक्ष में आता है वो आरोप जरूर लगाता है ईवीएम पर, ये एक तरीके का रिवाज हो चुका है, पिछले कुछ चुनावों से हम देखते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी सारी व्यवस्थाओं को संभाला है निर्वाचन विभाग की तरफ से, पहले ही जानकारी दे दी गई थी कि ईवीएम पूरे तरीके से चेक कर लिया गया है, पूरी सिक्योरिटी इस पर कर ली गई है। लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहेंगे
किस तरीके की व्यवस्थाएं ईवीएम को लेकर होती है सिक्योरिटी के लिहाज से, क्योंकि सबसे खास ये होता है ज्यादातर दूर दराज इलाकों में, गांवों में जहां पर पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं वहां पर बिजली की समस्या कई बार आ जाती है, कई बार बिजली कट जाती है, लेकिन ईवीएम जो कि बिना बिजली के भी चलता है इसलिए ये बेहद खास है। आपसे समझना चाहेंगे इसे लेकर किस तरीके की तैयारी है राजीव। देखिए पूनम, अगर हमारे अब तक के अनुभवों की बात करें तो खूब सारे विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव देखे हैं, उसके हिसाब से बात करें तो पहले चुनाव की प्रक्रिया में और ईवीएम के बाद बहुत अंतर आया है। और सबसे देखिए जिस तरीके से देश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है तो जरूरी है, अगर दूसरे देशों की बात करें वहां तो मोबाइल के अंदर ही वोट देने की सिस्टम और परंपरा है। लेकिन सवाल उठाने वाले उठाते रहेंगे जब, क्योंकि जहां अगर एक पार्टी जीतती है वहां सवाल नहीं उठाते, जहां हार जाते हैं वहां सवाल उठाते, तो सवाल वो नहीं है। सवाल ये कि समय के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो लोगों के पास समय है और नई तकनीक जब आ गई है तो उसको अपनाना होता है। और देखिए जिस तरह की चुनाव प्रक्रिया जो चल रही है उसको लेकर के जरा बात कर लेते हैं, क्या किस तरह से चुनाव प्रक्रिया जो है संपन्न हो रही है। सर ये तृतीय और अंतिम प्रशिक्षण चल रहा है, इसके बाद में जैसे जो नजदीक के क्षेत्र हैं जैसे सरदारपुरा, जोधपुर से और सूरसागर, उनकी टीम्स 11 बजे के लगभग रवाना होगी, और जो दूर के ब्लॉक्स हैं जैसे बापिनी, फलोदी, उनको अभी 9 बजे सारी व्यवस्था जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा बहुत ही अच्छी की गई है और वो दल रवानगी कर रहे हैं, खाने के पैकेट्स भी रखे गए हैं। और जब प्रशिक्षण दिए जा रहे थे तब हमारे यहाँ पर जिला कलेक्टर साहब ने गर्म खाना उपलब्ध हो, पैकेट्स भी नहीं उपलब्ध करवाए और गर्म खाना दिया और चाय अल्फाहार की व्यवस्था भी की। और इस बार हर व्यक्ति जो है वो चुनाव प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है, चाहे छोटा कर्मचारी हो, बड़ा अधिकारी हो, सेक्टर मजिस्ट्रेट हो, या फिर हर चुनाव की प्रक्रिया प्रोसीड करने वाला हो। तो कुल मिलाकर के चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं और उम्मीद करते हैं कि कल शाम तक जब पूरी तरह से मतदान हो जाएगा तो पूरे राजस्थान से किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं आए, कहीं कोई बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं नहीं आए, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, इस तरह की हम भी उम्मीद करते हैं। जी बिल्कुल राजीव, हम भी यही उम्मीद करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी अपील इस बात को लेकर कि आप अपने मत का प्रयोग करें, फर्स्ट इंडिया भी यही अपील करता है, बने रहिएगा राजीव। विरोध का रुख कर लेते हैं। विनोद, ईवीएम को लेकर चर्चा हो रही है तो जनता के मन में भी ये बात आती है कि जो वो वोट कास्ट कर रहे हैं, जो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, क्या वाकई में वही वोट डला। हालांकि हम कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे, कोई सवाल नहीं कर रहे हैं, कोई उंगली नहीं उठा रहे, लेकिन आपसे ये समझाना चाहते हैं दर्शकों को कि एक पर्ची भी निकलती है जब आप इस्तेमाल करते हैं ईवीएम का, आप प्रेस करते हैं बटन तो वीवीपैट के जरिए एक पर्ची निकलती है, उसको आप अपने साथ तो नहीं लेके जा सकते लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए वो दिखती है जिसमें आपने जिस प्रत्याशी को वोट किया है उसका क्रमांक नंबर, उसका नाम और वो जो चिन्ह होता है वो नजर आता है। और यही पारदर्शिता होती है बताने के लिए उस वोट कास्ट करने वाले यानी वोटर के लिए कि आपने सही मत का प्रयोग किया है, और ये पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंसी से हो रहा है। जरा समझा दीजिए दर्शकों को विनोद। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, देखिए सुबह से जो मतदान दलों को जानकारी दी जा रही है वो इसी बात को पुख्ता किया जा रहा है कि आपको जो ईवीएम और वीवीपैट दी जा रही है वो किस रूप में काम करेगी। 7 सेकंड का समय मतदाता को मिलता है, जैसे ही वो बटन दबाएगा तो वीवीपैट में से एक पर्ची निकलेगी जिसमें मतदाता क्रमांक होगा, लेकिन मतदाता को वहां आंखें बनाए रखनी होंगी कि मैंने जो वोट डाला है वो क्रमांक सही था, ये पर्ची निकल गई है। पर्ची निकलने के बाद माना जाता है कि आपका वोट डल गया। अगर रेड लाइट भी जल रही है तो भी पर्ची निकलने के बाद संभवतः तय हो गया कि आपने जिस व्यक्ति को मत दिया है उसको उस रूप में मत मिल गया है, और 7 सेकंड के बाद पोलिंग पार्टी उस मतदाता को बाहर निकाल दे। लेकिन 7 सेकंड के समय में आपको वो प्रक्रिया पूरी भी करनी है। इस समय देखिए हम राजस्थान कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात करेंगे खेम सिंह जी से। खेम सिंह जी, आपकी ड्यूटियाँ लगी है, क्या कुछ होगा, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई? यहाँ पे क्या है कि हम लोगों की 24 घंटे ड्यूटियाँ हैं, आईटीबीपी के जवान हैं, सतर्क जो है अर्धसैनिक बल हैं, ये बिल्कुल चाक चौबंद है, चारों तरफ से गेट बंद रहते हैं, यहाँ पे 24 घंटे हम लोग रहते हैं, कोई नहीं आ सकता यहाँ पे, जो कोई अगर आता है तो विजिटर आओ या ऑब्जर्वर आओ तो एंट्री होती है यहाँ पे। कल शाम के बाद से क्या व्यवस्था रहेगी जब सारी ईवीएम यहाँ आ जाएंगी? उसके बाद में यहाँ पे 24 घंटे ड्यूटी रहेगी, बाहर किसी को नहीं आएगा, बाहर से कोई अन्य बंदा नहीं आएगा, और आउट गेटों के ऊपर भी एक्स्ट्रा गार्ड लगेगी हम लोगों की, और चाक चौबंद रहेगा पूरा एरिया, सतर्कता दल भी घूमते रहेंगे, आउट के अंदर भी गश्त होती रहेगी, और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं राजस्थान पुलिस ने।
तो देखिए खेम सिंह जी बता रहे हैं कि स्ट्रांग रूम में इनकी ड्यूटी और सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। लेकिन एक बड़ी बात मैं राजस्थान कॉलेज को लेकर आपको बताऊं, जैसे आपने कहा था कि बिजली की व्यवस्था, तो सुबह हमें पता चला कि यहाँ जो बिजली की लाइन है वो कट गई है। लाइन कटने के बाद विद्युत व्यवस्था नहीं थी और सारा जो कार्यक्रम है वो जनरेटर से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसी खामियां भी कई बार सामने आ जाती है। आपने सुबह बहरहाल बिल्कुल सही बात कही अभी कि कई बार बिजली के कारण भी विध्वन पैदा होता है, तो यहाँ जो स्थानीय बिजली थी वो कट चुकी है और सारा जो देखिए आप हैलोजन चल रही है, सारा काम जनरेटर से चल रहा है, तो कई बार ऐसे तकनीकी खामियां भी आ जाती हैं। लेकिन उसके लिए पैरेलल व्यवस्था होती है, जिस तरीके से यहाँ जनरेटर चलाए गए हैं, स्ट्रांग रूम की जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण है। और कल देर शाम से आप देखेंगे कि राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में चकाचक विद्युत व्यवस्था होगी और कुछ रास्तों को बंद भी किया जाएगा। देखिए जो मेन रोड से आने वाले रास्ते हैं वहाँ बैरिकेडिंग लगा के सुरक्षा के लिहाज से कुछ मार्गों को डाइवर्ट भी किया जाएगा ताकि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता हो सके, पब्लिक का मूवमेंट कम हो सके। जितना मूवमेंट कम होगा सुरक्षा को उतना ही पुख्ता माना जाएगा। तो इस बार आदर्श आचार संहिता के बीच हर छोटी बड़ी चीज को देखा जा रहा है, मतदाता से लेकर के बड़े अधिकारी और पुलिसकर्मी से लेकर के बड़े पुलिस अधिकारी तक अपनी जिम्मेदारी तय कर रहे हैं, स्वयं तय कर रहे हैं कि आदर्श आचार संहिता के बीच अब 48 घंटे तक किस तरीके से निकाले जाएं, चुनाव संपन्न कराए जाएं और ईवीएम का संग्रहण कर इन दोनों स्थानों पर 19 विधानसभाओं की ईवीएम जमा करवाई जाए ताकि यह इंश्योर हो सके कि सब कुछ सही चल रहा है और आदर्श आचार संहिता के बीच चुनाव संपन्न हुए। जी बिल्कुल, और ये बेहद जरूरी भी है विनोद, आपका रुख करेंगे लेकिन उदयपुर की तस्वीर भी जरा दर्शकों को दिखा देते हैं। रवि शर्मा से होगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरीके की तैयारी यहां पर की गई है, क्या मतदान पार्टियां जो है जो दल बनाए गए हैं क्या वो पोलिंग बूथ के लिए रवाना हो चुके हैं, और अगर हो चुके हैं तो पोलिंग बूथ पर किस तरीके की तैयारी व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल, देखिए पूनम, उदयपुर में जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है उसको संपन्न कराने के लिए पोलिंग पार्टियां, यानी कि मैं तो ये कहूंगा कि इस उत्सव को संपन्न कराने वाले जो दीवाने हैं वो यहाँ से उनकी रवानगी का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। आप देखिए महिला पुरुष जो भी मतदान कार्मिक है, जिनकी ड्यूटी नियत की गई है, वो अपने नियत और यथासंभव जो उनको सामग्री मिलनी है उसको लेकर, उसको चेक करके और यहाँ से रवाना होने शुरू हुए हैं। मेरे ठीक पीछे मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश दिखाएंगे, जो प्रशिक्षण स्थल है, उदयपुर जिले की कुल 8 विधानसभाएं हैं, इनमें 4-4 विधानसभाओं को लेकर 2 प्रशिक्षण जो सेशन है वो आयोजित किए गए। पहला जो सेशन है वो संपन्न हो चुका है। इस सेशन में झाड़ोल, गोगुंदा, बल्लभ नगर, माफ कीजिएगा, झाड़ोल, गोगुंदा और इसके अलावा जो सलूम्बर और खेरवाड़ा है, उन विधानसभाओं में जो ड्यूटी जिन मतदान कार्मिकों की थी उनका प्रशिक्षण पूरा हो चुका है और उनकी रवानगी जो है आप देख सकते हैं वो रवाना हो रहे हैं। इस विश्वास के साथ, इस आधार के साथ कि निष्पक्ष और निर्भीक जो मतदान कराने में वो सफल होंगे। आपकी किस चीज़ की ड्यूटी लगी है और आपका प्रशिक्षण हो गया है? जी हाँ सर, मैं प्रशिक्षण हो चुका है, मेरी ड्यूटी खेरवाड़ा विधानसभा में लगी है और उम्मीद यही करते हैं कि जो ये चुनाव है यह बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण हो पाए और हमारी जिम्मेदारी को पूरे अच्छे से निर्वहन कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पूनम, हर मतदान कार्मिक की, छोटा बड़ा जो भी है, टॉप टू बॉटम हर की कोशिश और कवायद यही है कि जो मतदान है वो शांतिपूर्वक और निष्पक्षता के साथ में संपन्न कराया जा सके। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और इस पर्व में हर किसी की आहुति बहुत जरूरी है, चाहे वो मतदाता हो या फिर मतदान प्रक्रिया और से जुड़ा हुआ कोई कार्मिक। तो और दूसरा जो चरण है उसकी जो मतदान कार्मिक है उनके प्रशिक्षण का दौर जो है अब से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरे चरण में उदयपुर शहर, उदयपुर ग्रामीण, बल्लभ नगर और मावली के लिए जो ऑफिसर्स हैं, जो कार्मिक हैं, उनकी ड्यूटीज जो हैं
वो जो रहेंगी उनका उनको प्रशिक्षण जो है वो दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर उदयपुर जिले में 21,85,000 मतदाता हैं और 2209 जगहों पर मतदान बूथ जो हैं वो बनाए गए हैं, जिनके लिए पोलिंग पार्टीज हैं वो रवाना हो रही हैं। इसके अलावा जो रिजर्व में पार्टीज हैं उनको भी प्रशिक्षित किया गया है साथ के साथ ही, ताकि किसी तरह का कोई व्यवधान अगर है तो उसे अच्छे से उससे निपटा जा सके और किसी भी तरह की कोई समस्या जब मतदान होगा परसों 25 तारीख को उस दौरान सामने ना आए। जी माफ कीजिएगा, कल जब यही तो सारी व्यवस्थाएं हैं, जब कमर कस ली है, तैयारी पूरी हो गई है, सुरक्षा रख ली है, तो फिर उस पर मॉनिटरिंग करनी, निगरानी रखनी और यह ध्यान रखना कि कोई गफलत ना हो, यह भी बेहद जरूरी होता है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे, दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि अहम सवाल हमारे दर्शकों के जहन में है। फर्स्ट इंडिया वो सभी जवाब आप तक पहुंचाएगा, क्योंकि लगातार महा कवरेज